नवंबर का वह मनहूस दिन था जो हर हिंदुस्तानी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। यही वह मनहूस दिन था जब मुंबई में आतंकवादी ने हमला किया था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इस हमले को 14 वर्ष हो गए हैं। ऐसे में बॉलीवुड के कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर शहीद हुए जवानों की याद में एक इवेंट का आयोजन किया गया था। इस इवेंट में किंग खान भी शामिल हुए थे। वहीं इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहरुख खान अपने मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ पहुंचे थे। इस दौरान किंग खान वहां कई सारी महिलाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उनसे बातचीत करते हुए गुजरे। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फैंस को किंग खान का ये जेस्चर खूब पसंद आ रहा है। खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों वह अपनी मच अवांटेड फिल्म डंकी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।